अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपना किचन कौशल के किचन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है मीठा, और मीठे में हम बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए हमने ये देखिए, हमने खीर बनाया है, खूब सुंदर चेरी ड्राई फ्रूट से भरा हुआ सजाया है, एकदम गरम गरम है। तो चलिए चलते हैं आपका बनाने खीर। तो स्टार्ट करते हैं आपका खीर बनाना। खीर बनाने के लिए हमने पतीला पहले से रख दिया है, हमारा पतीला गर्म भी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तेल को एक मिनट तक गर्म करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे ये तेज़पत्ता। एक बड़ी इलायची, दो लौंग, एक दालचीनी और इसे जौनगरी डालने के बाद ढक्कन को ऐसे रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे हल्का सा पानी। पानी डालने के बाद इसको हम धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध को गर्म करने के लिए लो को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे कि जल्दी दूध में उबाल आ जाए। इसे हम गर्म करते हैं। ये देखिए, हमने जो बनाने के लिए खीर रखा था उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अभी अच्छी तरह उबाल आने लगी है। अब हमने ये चावल पहले से भिंगो के रखा है, इसे हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को डालने के बाद इसे हम हल्का हल्का चलाएंगे। चला लेने के बाद इसे हम ढक के आंच को एकदम लो करके रख देंगे, जिससे कि हमारा जो चावल है खीर वो धीरे धीरे आंच में मीठा मीठा पकता रहे। ये देखिए, हमारा खीर पक चुका है, हल्का हल्का पकने लगा है, पूरा नरम भी हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे, और आंच को एकदम नम करके, एकदम हल्का करके इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा खीर पक रहा है धीरे धीरे मध्यम आंच में, तब तक हम ड्राई फ्रूट को क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट के लिए हमने नट लिए हैं, बादाम, काजू और चेरी। इसको हम छोटे छोटे शेप में काट लेते हैं। अब ये खीर देखिए, हमारा खूब गाढ़ा हो चुका है और पक भी गया है। अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये हमने बादाम, ये काजू और ये चीनी। ये डालने के बाद इसे ढक के हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है गर्मा गर्म खीर, एकदम ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, एकदम स्वादिष्ट और मीठा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ काटे हुए, काजू और एक चेरी। ये बनके तैयार हो चुका है आपका मीठा मीठा, एकदम गरम गरम और ठंडी के मौसम में चट खीर। आप इसे सर्व करिए, मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।